एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। उसका नाम था जालिम सिंह। पूरे जंगल के अंदर उस शेर की इतनी दहशत थी, इसीलिए जंगल के सारे जानवर उस शेर से बहुत ही डरते थे। एक दिन जालिम सिंह ने बहुत बड़ा शिकार किया और पेट भर के खाना भी खाया, और खाना खाने के बाद जालिम सिंह को नींद आने लगी। जालिम सिंह इधर उधर जगह ढूंढने लगा। लंकू, वो देखो, जालिम सिंह आ रहा है। आज तो मजा आ गया खाना खाने का। अरे हाँ, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो यहाँ से, वरना वो हमको खा जाएगा। भागो। दोनों हिरण भाग जाते हैं। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जालिम सिंह सो जाता है। वहीं थोड़ी दूर चूहा अपने बिल के अंदर सो रहा था, जो कि शेर के खर्राटे की आवाज सुनकर उठ जाता है। ये कौन बदतमीज है जिसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। चूहा बिल से बाहर आता है और शेर को देखकर डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो शेर है। अभी राम नाम सत्या हो जाना था। शेर खर्राटे ले रहा है। लेकिन अभी तो ये सो रहा है ना, और वो भी बहुत गहरी नींद में। अभी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे भी इसने मेरी नींद खराब की है। क्यों ना मैं भी इसकी नींद खराब करूं। हाँ हाँ हाँ। चूहा ये सोचकर सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछलने लगा। एक दो बार तो जालिम सिंह ने अपनी पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया, पर मस्ती करने के लिए चूहा फिर उसकी नाक पर चढ़ गया। शैतान चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लगता है तुम जालिम सिंह के गुस्से को जानते नहीं। शेर को इतने गुस्से में देख चूहे की हालत खराब हो गई। उसका हाल बुरा हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वे कांपती आवाज में जालिम सिंह से बोलता है, आप इस जंगल के राजा हैं, महाराजा हैं। मुझे आप पागल समझकर ही क्षमा कर दें। मुझ जैसे छोटे से जानवर को मारकर आपकी शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जंगल के जानवर यही बोलेंगे कि महाराजा जालिम सिंह ने एक छोटे से चूहे को एक छोटी सी गलती के लिए मार डाला। चूहे की ये बात सुनकर शेर ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन बोला कुछ नहीं। मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए महाराज। मैं वादा करता हूँ कि आज आप मुझे छोड़ देंगे तो जीवन में मैं कभी ना कभी आपकी सहायता जरूर करूंगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। वाह बरखुदार, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है जितनी आज तक नहीं आई। खैर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुमने आज मुझे बहुत हंसाया, इसी का इनाम तुम्हारी जिंदगी है। यह कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा गिरते पड़ते वहाँ से भाग गया। इस घटना के कई दिनों बाद एक शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आ जाता है। जिंदगी का मजा तो शेर के शिकार में है। आज तो शेर का शिकार करके ही घर वापस जाऊंगा। शिकारी जाल बिछाकर वहां से काफी दूर चला जाता है। शेर उस जाल में आकर फंस जाता है। अरे कोई है इधर, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। कोई है? अरे कोई तो मदद करो मेरी। तभी चूहा वहीं से गुजर रहा था। वह शेर की आवाज सुनकर तुरंत शेर के पास आ जाता है। अरे महाराज, आप, ये कैसे हो गया? आप कैसे इस जाल में फंस गए? पर आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। यह कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया। जल्दी ही शेर जाल से मुक्त हो गया। महाराज, उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे ना, मैंने आपसे कहा था ना कि किसी ना किसी दिन मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक छोटा और कमजोर प्राणी भी आपकी मदद कर सकता है। हाँ 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 हाँ।
वाह बरखोदार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से तुम मेरे खास दोस्त हो। आज तुमने मुझे जीवन का एक अच्छा पाठ पढ़ाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए हर एक प्राणी का अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं। दोनों का अपना अपना महत्व है।